कोरोना से बचने के लिए आपने भी टीका लगवाया होगा, लेकिन उस टीके को लेकर आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जिस कोविशील्ड को लगवाने के लिए पीएम मोदी ने बड़े बड़े पोस्टर छपवा कर विज्ञापन कर रहे थे, वही कोविशील्ड आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका ने अदालत में माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें खून के थक्के बन जाते हैं और उस वजह से ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। इस साइड इफेक्ट को TTS यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहते हैं। एस्ट्राजेनिका कंपनी के खिलाफ ब्रिटिश अदालत में एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि उसकी वैक्सीन कोविशील्ड से लोगों को नुकसान हो सकता है। कंपनी पर आरोप है कि उसकी वैक्सीन गंभीर नुकसान और मौत से जुड़ी है। अदालती दस्तावेज के मुताबिक एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविशील्ड वैक्सीन को विकसित किया है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से बनाया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पुनावाला हैं, जिन्हें PM मोदी ने मुलाकात के बाद ही कोविड वैक्सीन बनाने के सारे अधिकार दे दिए थे और फिर बड़े पैमाने पर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड इंजेक्शन बनाए थे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इसी कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने BJP को मोटी रकम चंदे के रूप में दे डाली। जनसत्ता की खबर के मुताबिक वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ने भाजपा को इलेक्टोरल चंदे के रूप में मोटी रकम दे डाली। 48 घंटे के भीतर ही 50 करोड़ रुपए भाजपा को दान दिए गए और अगले 15 दिन के बाद 2.5 करोड़ और BJP को दिए गए, यानी कुल 52.5 करोड़ रुपए BJP को प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट के जरिए दिए गए। अब सवाल उठता है कि क्या कोरोना काल में सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के सारे अधिकार देने के बदले ये मोटी रकम वसूल की गई। MP कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ट्विटर पर लिखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने 18 अगस्त 2022 को 50 करोड़ रुपए चंदा दिया। 22 अगस्त को PM मोदी से मुलाकात करते ही कोविड वैक्सीन बनाने और बेचने के सारे अधिकार उनकी कंपनी को मिले थे। क्या माना जाए, जब देश में मचा था हाहाकार, तब BJP कर रही थी लूट का व्यापार। सवाल तो पूछा ही जाएगा, जिस कंपनी को आपने करोड़ों लोगों की जिंदगी की डोर थमा दी थी, वो आपको करोड़ों रुपए का चंदा क्यों दे रही है? और अब उस कंपनी की वैक्सीन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो आप कहां खड़े हैं? यूं तो मोदी ने खुद कोरोना वैक्सीन लगवा कर कोविड टीकाकरण को बढ़ावा दिया था और चुनाव में इसका प्रचार भी कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण भारत में चलाया गया, लेकिन क्या अब उन्हें इस बात की भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि इस वैक्सीन के कारण लोगों की जान भी जा रही है? कोरोना के बाद बड़ी संख्या में लोगों को दिल के दौरे पड़े हैं और लोगों की जान गई है। तब भी कई लोगों ने वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूँ जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं, कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। मैं हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं, मैंने वहां भी अपील की कि इस विषय पर रिसर्च किया जाए कि आखिर कौन सी बीमारी है कि जिसके चलते लोग लम्हा भर में जान गंवा दे रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी BJP लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। आपको बता दे कि खून के थक्के कई बार जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगर यह दिल, दिमाग और फेफड़ों को जाने वाली रक्त वाहिकाओं में जम जाते हैं तो जान भी जा सकती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इत्यादि बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि कंपनी इसे रेयर बता रही है, लेकिन लोगों में इसे लेकर डर बढ़ गया है। हमारी आपसे अपील है कि इसे लेकर घबराए नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरते। कंपनी का कहना है कि कोविशील्ड के ये साइड इफेक्ट शुरुआत में ही कुछ हफ्तों में दिखाई दे जाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर अभी तक आप ठीक हैं तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको दिल में दर्द या तकलीफ हो रही है तो अपने डॉक्टर के पास चेकअप ज़रूर कराएं। लोगों को खुद ही अपना ख्याल रखना होगा।
क्योंकि मोदी सरकार ने शायद क्रेडिट लेने के चक्कर में और जल्दबाजी में कोविशील्ड बनाने की परमिशन दे डाली, उसे बड़े पैमाने पर लगवा भी दिया, लेकिन कई बार लोगों की जान पर बन आई है। सवाल है कि आखिर हर तरह के ट्रायल के बिना वैक्सीन को इजाज़त क्यों दी गई, वैक्सीन लगवाने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, और वैक्सीन लगवाने को ट्रेन में यात्रा करने से लेकर किसी स्कीम की सुविधाएं लेने तक ज़रूरी क्यों बनाया गया। सवाल यह भी है कि इसके लिए भला कौन जिम्मेदार है, और आखिर क्यों चुनाव में लोगों की जान के साथ हुआ ये खिलवाड़ मुद्दा नहीं बन पा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक ज़रूरी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।